दोस्तों न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज में टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली को जगह नहीं मिली है। श्रीलंका के खिलाफ भी उन दोनों को बाहर रखा गया था। इसको लेकर भारतीय टीम के पूर्व बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने बयान दिया है और बताया है कि क्या इन दो दिग्गज बल्लेबाजों का T20 करियर बाकी है या फिर नहीं। इंडिया टुडे से बात करते हुए गावस्कर ने कहा, जिस तरह से मैं देख पा रहा हूं कि अगला T20 वर्ल्ड कप साल 2024 में है, जो नई सिलेक्शन कमेटी आई है वो युवा खिलाड़ियों को ज्यादा मौका देना चाहती है। इसका मतलब ये नहीं कि कोहली और रोहित पर अब विचार नहीं किया जाएगा। अगर 2023 में उनका फॉर्म अच्छा रहता है तो उन्हें टीम में जरूर रखा जाएगा। आपकी राय में क्या कोहली और रोहित को अब T20 टीम में मौका मिलना चाहिए या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।